सीरियल अनुपमा में समर का किरदार निभाकर टेलीविजन एक्टर पारस कलनावत घर घर में पॉपुलर हो गए थे, लेकिन फिर सबको तब झटका लगा जब पारस को अनुपमा से निकाल दिया गया दूसरे चैनल के शो झलक दिखला जा साइन करने के लिए। और फिर वहां पारस की मुलाकात हुई नौरा फतेही से। पारस कलनावत ने झलक दिखला जा में कई बार नौरा के लिए अपनी दीवानगी जाहिर की। पारस ने बताया कि जब वो पहले दिन सेट पर आए थे तो नौरा से मिलने के लिए पारस ने घंटों इंतजार किया। एक्टर ने ये भी बताया कि नौरा फतेही उनका क्रश है, लेकिन ये क्या, वही नौरा फतेही जिसके दीवाने थे पारस। अब पारस ने उन्हें सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर कर दिया है अनफॉलो। इतना ही नहीं, नौरा फतेही ने भी पारस को सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में फॉलोइंग की लिस्ट से हटा दिया है। बता दें कि पारस से जब एक फैन ने इसके पीछे की वजह पूछी तो एक्टर ने कहा कि बेहतर होगा कि अगर आप ये सवाल नौरा फतेही से पूछें। जी हाँ, पारस ने इशारा दे दिया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। वहीं हमारे सोर्सेस ने हमें बताया कि दोनों शो के बाद अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर इस दोस्ती में किसी वजह से इतनी दरार आई कि दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। खबरें तो ये तक आ रही थी कि नौरा इज सीइंग पारस, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अब तो इस झगड़े के बाद सब धरा का धरा रह गया। बात अगर पारस कलनावत के वर्क फ्रंट की करें तो आपको बता दें कि सीरियल कुंडली भाग्य में पारस कलनावत प्रीता के बेटे का किरदार निभा रहे हैं, और प्रीता के बेटे के किरदार में भी पारस दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।